मे भी तुमने बहुत सारे सुपर हीरो मूवीज देखी होगी, लेकिन ये कुछ खास है। ब्लैक एडम, ये ऐसा बोला सकते हैं कि डीसी का सेवियर है, डीसी यूनिवर्स को सेव करने वाली ये मूवी है या ये बंदा है, बहुत ही खास। तो देखो गुरु लोग, इस बीच में बहुत ज़्यादा ब्रह्मास्त्र के ऊपर ही बातें किया जा रहा था क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक था, क्योंकि मैं तुम लोग भी बोल रहे हैं इसके क्या कीड़े हो गए भोसड़ी का, इसके ऊपर ही बात किया जा रहा है। उस टाइम पर ट्रेंडिंग टॉपिक था तो बात कर लिया। सो बेसिकली कुछ कुछ कंटेंट मिस भी हो गए थे उसी के बीच में। सो देखो 9 तारीख को इसका ट्रेलर नंबर 2 आ गया, लेकिन ट्रेलर पर हमने देखा था तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेडनेस था उसको लेकर के, मतलब कितने सालों से अपने को वेट कर रहा था इस चीज़ को लेकर के, ब्लैक एडम के लिए, डॉनी जॉनसन का रॉक। सो गुरु, इसके लिए मैं हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सो मैंने उस टाइम पे ट्रेलर सुबह में सोचा नहीं देखेगा, डाउनलोड करके रख दिया, क्योंकि उसी टाइम पे थैंक यू गॉड उसके साथ साथ वो आया ब्रह्मास्त्र का मूवी अपने को देखने जाना था, इसके लिए मैंने नहीं देखा। मैंने एक्साइटमेंट का पावर घट जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने के लिए। सो इसलिए मैंने आज अभी देखा है, जो मज़ा आया है बोलूँगा एक नंबर का। ये अलग ही, कुछ अलग ही टाइप का सुपर हीरो है भी, मतलब ना ये सुपर हीरो के जोनर में फिट हो रहा है ना सुपर विलन के जोनर में फिट हो रहा है। ये लोगों ना सेवियर है और ना ही लोगों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाना चाहता है। सो ये गुरु बनना क्या चाहता है, अलग ही बंदा हो, वो बीच में है। अब बीच में है तो ऐसा मत बोलना कि ना सुपर हीरो है ना विलन है तो यानी कि छक्का है, ऐसा कुछ नहीं है। बीच वाला बंदा कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होता है तो ऐसा मान सकते हैं। लेकिन देखो ट्रेलर देखने के बाद जो बोलूँगा भैया, बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर है, हिंदी में भी देखा मैंने, इंग्लिश में भी देखा, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब इतने गजब गजब फाइट सीक्वेंस मेरे को देखने को मिले। देखो इसके इस मूवी का मतलब ये जो ब्लैक एडम की मूवी आने वाली है, इसमें एक खास बात तुम्हें बताऊं, इसमें जो VFX का तगड़ा माल है वो तो है और यूनिवर्स DC फ्रेंचाइज प्रेजेंट कर रही हो तो है, लेकिन इसमें स्टोरी भी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। ये आम इंसान को समझने टाइप की स्टोरी है, जो DC यूनिवर्स के बारे में जानता भी ना हो वो भी इस मूवी को इंजॉय कर पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि उसके अपने बेटे की वजह से इसको ये शक्तियाँ मिलती हैं, प्लस उस बेटे का बदला लेना और उसका फ्रस्ट्रेशन किस हद तक जाएगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मतलब एक आग लगाने आने वाला चीज़ होता है ना, उस टाइप का चीज़ है। और ये बंद मतलब रॉक के सामने यार बंदा कोई टिकने लायक नहीं, तो विलन इतना हैवी होना चाहिए कि रॉक के सामने टिक पाए। सो हैं विलन्स हैं, लेकिन अब गुरु बंदा ही खास है। प्लस एक चीज़ बताऊँ, इसके अंदर अलग लेवल के भी पावर्स हैं। देखो बिजली है इसके अंदर, इसके बॉडी में, लेकिन ये हवा में भी उड़ सकता है, ये फास्ट भाग भी सकता है। तो ये अलग टाइप का पावर है। प्लस वो सीन हमने ट्रेलर नंबर 1 में भी देखा था, ट्रेलर नंबर 2 में भी देखा था, जो भैया पंच मारता है प्लेन को, ओ हो प्लेन सीधा नीचे, इसीलिए बोल रहा हूँ ना कुछ अलग ही टाइप का है। और इसका सूट भी काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको लेकर के। और थोड़े बहुत शायद कॉमेडी सीक्वेंस भी देखने के लिए मिले, प्लस मैं चाहूँगा इसे एंजॉय करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मूवी देखने मिलेगा भी, डैम एक्साइटेड फॉर दिस। बट बहुत भगवान से उम्मीद है कि भाई गुरु बहुत ही अच्छी माल निकल जाए। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लेकर के। वैसे ट्रेलर नंबर 2 तुमने देखा या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर तुमने देखा तो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि शाम तक ब्रह्मास्त्र के ऊपर एक और वीडियो आ रहा है। कितना ब्रह्मास्त्र, अरे चलो एक वीडियो और लास्ट, इसके बाद बात नहीं करेंगे ब्रह्मास्त्र के ऊपर। हाँ आगे कुछ आया माल तो देखेंगे, वैसे शाम तक आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये कहाँ बवासीर बना दिए हो।